तो विद्यार्थीगण, हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू सारणी के अंदर में माइनर एंड कोफैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें पढ़ना है बाबू माइनर। माइनर का मतलब होता है डिटरमिनेंट में, डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट में जितना एलिमेंट होता है, जितना एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है उतना ही माइनर होता है, उतना ही माइनर होता है, माइनर होता है। मतलब ये हो गया कि माइनर का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनर, नंबर ऑफ माइनर। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट इज इक्वल, डिटरमिनेंट का एक सिंबल लेते हैं हम लोग, यहाँ दिया हुआ है जैसे 2, 3, 5 और दिया हुआ है 7, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं डिटरमिनेंट के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट, इन डिटरमिनेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट्स आप देखेंगे तो कितने हैं, तो बोलेंगे 4। तो आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ माइनर, नंबर ऑफ माइनर, नंबर ऑफ माइनर इन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए की बात कर रहे हैं। तो जितना माइनर होगा उतना ही क्या होगा, जितने डिटरमिनेंट्स में एलिमेंट होंगे उतना ही माइनर होगा, तो ये भी 4 होगा। अब माइनर जो होता है बेटा, इसे हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। क्या बोल रहा है, माइनर को बड़े एम से सूचित करते हैं, बड़ा एम से सूचित करते हैं, सूचित करते, माइनर को बड़ा एम से सूचित करते हैं। और इस जो एम होगा बाबू, इसमें रो भी लिखा जाएगा और कॉलम भी लिखा जाएगा कि कितना रो होगा और कितना कॉलम होगा, वो सारा चीज इसमें लिखता चला जाता है। कैसे हम लोग डिनोट कर देंगे, प्रत्येक एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है, ठीक है कि नहीं, हर एलिमेंट का। जैसे अगर आप बोलेंगे बाबू कि माइनर ऑफ 2 बताओ, 2 का माइनर बताओ, तो रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, इसका माइनर मिलेगा कितना, 7, ठीक है कि नहीं। अगर माइनर पूछेगा आपसे कि माइनर ऑफ आप 5 बताओ, तो 5 का माइनर लोगे तो रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, 3, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा बाबू कि माइनर ऑफ 3 बताओ, तो 3 का माइनर क्या आ जाएगा, 5। फिर आप बोलोगे कि माइनर ऑफ 7 बताओ, 7 का माइनर क्या हो जाएगा, 2, 7 का माइनर 2। यह जो माइनर ऑफ 2 लिख रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एलिमेंट के रूप में, एम लिखा जाएगा पहला रो का पहला कॉलम, तो इसको लिखेंगे M11। अगर 5 की बात करिएगा तो एम दूसरा रो का पहला कॉलम, अगर आप 3 की बात करेंगे तो एम हो जाएगा बाबू 2 और पहला रो का दूसरा कॉलम, 1 2 हो जाएगा। और 7 की बात करिएगा तो एम हो जाएगा 2 और 2, ऐसे लिखे जाते हैं माइनर को, ठीक है। माइनर जो होता है क्या, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 7, डिटरमिनेंट ऑफ 3, डिटरमिनेंट ऑफ 4, डिटरमिनेंट ऑफ 2, ठीक है कि नहीं। अगर माइनर का ऑर्डर बाबू 2 बाई 2 का है, सॉरी डिटरमिनेंट का ऑर्डर बाबू 2 बाई 2 का है, तो माइनर का ऑर्डर आएगा 1 बाई 1 का,
वन बाय वन का, इट मींस ये एक पॉइंट और निकल करके आ गया कि ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर माइनर इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस क्या है, एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। एन को बोला जाता है बाबू ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यह क्रम होता है, किसका क्रम होता है, सारणिक का, सारणिक का क्रम होता है। तो सारणिक का जो क्रम होता है वही कहलाता है, सारणिक का क्रम कहलाएगा। एन में अगर आप ऑर्डर ऑफ माइनर निकालिएगा तो एन का वैल्यू देखिए, तो सारणिक का क्रम क्या है, दो बाई दो का, तो दो रख दीजिएगा, दो माइनस एक तो क्या मिलेगा, एक, तो वन बाई वन ऑर्डर जो आएगा। मतलब ये हो गया कि उपसारणिक का क्रम सारणिक से एक कम होता है, उपसारणिक का क्रम सारणिक से एक कम होता है। ठीक है, इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं माइनर निकालने के लिए, ऐसा ना। सेवन का मतलब तो सेवन ही होता है, थ्री का मतलब तो थ्री ही होता है, फाइव का मतलब तो फाइव होता है, टू का मतलब तो टू ही होता है। सिंपल सा फंडा है डिटरमिनेंट में। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, मतलब डिटरमिनेंट में दिए हुए जितने एलिमेंट होते हैं उन सबका एक एक माइनर होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक कोफैक्टर, देखो उसको भी, कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब होता है सहखंड, सहखंड। ठीक है, यह सहखंड का क्या मतलब है, बात को समझें, तो जब आपको माइनर समझ में आ गया तो सहखंड भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ माइनर इक्वल टू नंबर ऑफ कोफैक्टर, जितना माइनर का नंबर होता है उतना ही क्या होता है, कोफैक्टर होता है। मतलब नंबर ऑफ डिटरमिनेंट, नंबर ऑफ डिटरमिनेंट, डेट लिख देते हैं, नंबर ऑफ डेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ माइनर इक्वल टू नंबर ऑफ कोफैक्टर। इस बात को आप याद रखेंगे कि जितना डिटरमिनेंट में एलिमेंट होते हैं उतना ही माइनर होता है और उतना ही क्या होता है, कोफैक्टर होता है। जितना माइनर होता है उतना ही क्या होता है, वह कोफैक्टर होता है, और जितना माइनर होता है उतना ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सारणिक में। अब यहां से हम आपको बताएंगे कि कोफैक्टर को कैसे निकाला जाता है। पहले इसको लिखो कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर क्या होता है। सबसे पहले बाबू इसे बड़ा ए से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं, सूचित करते, यहां पर रहेगा आई, यहां पर रहेगा जे। आई का मतलब हो जाएगा बाबू रो, और जे मीन्स हो जाएगा कॉलम, आई मीन्स हो जाएगा रो और जे मीन्स हो जाएगा कॉलम। अब जैसे यहां पर ले लेना सिक्स सेवन फोर नाइन, ठीक है जी, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें आपको निकालना क्या है, माइनर आपसे पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि माइनर बताओ, फिर पूछेगा कोफैक्टर बताओ, तो कोफैक्टर निकालना रहेगा ए वन वन, कोफैक्टर निकालना रहेगा ए वन टू, कोफैक्टर निकालना रहेगा ए टू वन, कोफैक्टर निकालना रहेगा ए टू टू। ठीक है जी, तो कोफैक्टर निकलता कैसे, से समझिए कैसे निकाला जाएगा कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर को निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, सिंपल सा फंडा है बाबू, कि सबसे पहले देखो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल जनरल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होता है, से कि ए लिखा जाए ए आई जे इक्वल टू माइनस वन के पावर होता है आई प्लस होता है जे, इनटू होता है एम आई और जे, यही इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जनरल रूप में यह इसी तरीके से यह लिखा जाता है, आई और जे जिसका आप रो और कॉलम लेंगे उसी का माइनस वन का पावर
किसका? माइनर का लिया जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू कैसे निकलता है समझो। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, पहले आप माइनर निकालते हैं। तो माइनर जब आप निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, ऐसे निकलता है माइनस वन का पावर वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू इंटू। अब माइनर का आता है वन वन का माइनर आप लेंगे तो रो और कॉलम खत्म, क्या हो जाएगा नाइन, ठीक है। अब माइनस वन का पावर टू दिया हुआ, इट मीन क्या हो जाएगा नाइन। और ऐसे भी पता है बाबू कि वन प्लस वन यहाँ पर प्लस होता है, इसीलिए नाइन का नाइन ही रह जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा थ्री, और जब आप इसको लेंगे तो रो और कॉलम खत्म, क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर। और माइनस वन का पावर थ्री मतलब माइनस में, यहाँ आएगा फोर, ठीक है कि नहीं। यहाँ ये जब आप इस पोजीशन पे आएंगे बाबू तो रो और कॉलम हो जाएगा खत्म, यहाँ हो जाएगा माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा जी, तो बोलेंगे थ्री, और यहाँ क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा सेवन, ठीक है। जैसे इसको आप लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा सेवन, ठीक है। आप इसको देखो यहाँ पर निकालने का क्या तौर तरीका है, इसको जब आप लिखेंगे बाबू तो यहाँ क्या होगा रो और कॉलम खत्म, तो होगा क्या माइनस वन के पावर हो जाएगा फोर, दो दो चार, और माइनर निकालिए रो और कॉलम खत्म, तो क्या आ जाएगा छ इक्वल टू क्या आ जाएगा सिक्स। मतलब ये हो गया कि सिर्फ इस पोजीशन को आप देखेंगे कि यहाँ पर वन है और टू है, ये पहला वाला पोजीशन बाबू रो को बताता है और दूसरा पोजीशन किसको बताता है, कॉलम को बताता है। तो यही आपको देखना है, ध्यान देना है कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, बाकी सारे आसान है, चाहे वह टू बाई टू हो चाहे थ्री बाई थ्री हो, सब में यही चलता है। अगर थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट रहेगा, ध्यान देख लो नोट में लिख लेना इसको, कि यदि डिटर्मिनेंट कोई दिया हुआ है थ्री बाई थ्री का, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या दिया हुआ है थ्री बाई थ्री, अगर थ्री बाई थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, जैसे ए मान लेते हैं बाबू, यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएगा आई, ऐसा दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट। जब इस तरीके का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन आप करते हैं तो एक साइन कन्वेंशन आप याद रखते हैं, हम बताए थे पहले भी, क्या पहला वाला होता है प्लस, फिर होता है माइनस, और फिर होता है प्लस, फिर होता है बाबू माइनस, यहाँ होता है प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस माइनस और फिर होता है प्लस। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये इसी कारण से हम लिख रहे थे माइनस वन का पावर, आप देखो तो माइनस वन का पावर यहाँ पर चेक करोगे तो ये तो वन वन होता है तो प्लस आएगा, यह वन और टू होता है तो माइनस आएगा। यहाँ बाबू क्या, जब आप टू को निकालेंगे बेटा तो क्या मिलेगा आपका थ्री, जब फोर को निकालेंगे तो क्या मिलता है जीरो, अब जीरो को निकालेंगे तो क्या मिलेगा माइनस फोर, और जब थ्री को निकालेंगे तो क्या मिलता है टू। क्लियर है यहाँ तक बात, यह समझना है कि यह वन वन के केस में आप आइएगा तो प्लस होता है तो यह टू का टू रह जाएगा, यहाँ पर आएगा तो माइनस ही माइनस ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस है। अब जब इस वाले पोजिशन पर आइएगा तो वैल्यू कितना आया था जीरो, माइनस जीरो लिखो प्लस जीरो लिखो क्या होगा जीरो में रहेगा, यहाँ टू और थ्री होता है बाबू तो माइनस हो जाएगा, तो इस जीरो का आप निकालेंगे तो माइनस फोर मतलब प्लस फोर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दो और दो चार हो जाएगा तो ये टू का टू ही रह जाएगा, तो ये माइनर निकल गया, ये इसका क्या निकल गया तो फैक्टर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस वन का पावर करिएगा तो वन और वन टू हो जाएगा तो प्लस में आएगा, वन और थ्री करिएगा तो माइनस में आएगा, तो जीरो प्लस और माइनस में तो सेम चलता है। अब इस वाले में आइए, पहले माइनर निकाल लेते हैं, वन वन का निकालोगे तो डी मिलेगा, सी का निकालोगे तो बी मिलेगा, सी का निकालेगा तो क्या मिलेगा बी मिलेगा, यहाँ ये टू और वन का दूसरा रो का पहला कॉलम तो आपको सी मिलेगा, इसको निकालिएगा तो ए मिलेगा, यहाँ तक क्लियर है। अब उसी तरीके से बाबू आप निकालेंगे इसको, इस पोजीशन पर अगर इसी का कोफैक्टर निकालिएगा तो डी का डी रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन उसी तरीके से इसका निकालिएगा बाबू कोफैक्टर तो माइनस में बी मिलेगा, इसका निकालिएगा तो फिर से आपको माइनस में सी मिलेगा, और इसका निकालिएगा तो प्लस में ए मिलेगा। क्या बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट है थ्री बाई थ्री के केस में भी ऐसे ही करते हैं, थ्री बाई थ्री के केस में क्या किया जाता है, पहले वाला आप रो लेंगे और कॉलम खत्म, इसको यहाँ गुना करेंगे इसको यहाँ गुना करेंगे वन मिलेगा बाबू, तो वन का तो वन हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब आप इसको लेते हैं तो इसका रो भी खत्म और कॉलम भी खत्म, ये हो जाएगा देखो ये और ये बचेगा, तो ये भी जीरो, इट मीन्स ये हो जाएगा वन टू का वैल्यू हो जाएगा जीरो। इसको लीजिए रो और कॉलम खत्म, ए जीरो और ए जीरो, इसलिए भी क्या आ जाएगा जीरो,
बात को समझ रहे हैं? यहाँ ये इसका रो और कॉलम खत्म, रो भी खत्म और कॉलम भी खत्म, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन खत्म, ये यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, मतलब ये भी जीरो, ठीक है। यहाँ ये टू के केस में आइए, रो और कॉलम खत्म, ये सिर्फ वन बचेगा, बाकी क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ हो जाएगा क्या? वन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आइएगा, रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, रो भी खत्म कॉलम भी खत्म, जीरो देन जीरो, तो क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा, ठीक है। इधर आइए, इस पोजीशन पर आइएगा, रो खत्म और कॉलम खत्म, जीरो जीरो, इसलिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको? जीरो। यहाँ ये इस पोजीशन पर आइएगा, रो खत्म कॉलम खत्म, रो भी खत्म और कॉलम भी खत्म, जीरो देन जीरो इक्वल टू क्या होगा? जीरो, ठीक है। यहाँ ये इस पोजीशन पे रो भी खत्म कॉलम भी खत्म, सिर्फ वन होगा, तो यहाँ आ जाएगा वन। क्या यह बात आप समझ रहे हैं? जैसे आपको कोफैक्टर की बात करेगा तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा से समझो। कोफैक्टर निकालने के लिए देखो, वन प्लस वन, तो यहाँ तो पता ही है कि एक रहेगा बाबू तो प्लस में आएगा, जीरो और दो, ये इसका वैल्यू क्या है बताओ? जीरो है तो जीरो लिखो, ठीक है ना। वन थ्री जीरो है तो जीरो रहेगा, ठीक है कि नहीं। टू वन जीरो है तो जीरो रहेगा, टू टू वन है तो क्या होगा? वन ही रह जाएगा। अच्छा जी, टू और थ्री जीरो है तो जीरो रह जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस हो चाहे माइनस हो जीरो ही रहेगा सर, ठीक है कि नहीं। आगे ये यहाँ पे आइए, थ्री वन क्या है? जीरो है तो जीरो रहेगा। थ्री और टू देखो, थ्री और टू जीरो है तो जीरो रहेगा, यहाँ पर क्या है? प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि तीन और तीन छः, प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। माइनर को फैक्टर इसका सब